क्लास, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास अभी आ रही है मेरी आवाज या अभी भी नहीं आ रही? क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके क्लास, अदीला ने मुझे कहा मेरी आवाज़ आ रही है, बाकियों को सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? ओके अब मोस्टली के कमेंट्स हैं कि आ रही है। चलिए क्लास, लास्ट टाइम भी यही लेक्चर हमने किया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये मैं कंप्लीट नहीं कर सकती थी, तो उसी को मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो इसमें मैंने आप लोग को बेसिकली व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी इसके बारे में बताना है। वैक्सीन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर दिया था कि व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन में मैंने आप लोग को बताया था फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूज टू इंड्यूस इम्यूनिटी, जिस ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर रहे हैं इम्यूनिटी में, बेसिकली उसी के अगेंस्ट जो है हम वैक्सीन बना रहे होते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है उसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं। तो इसमें मैंने ये आपको दो टर्म्स बताई थी, सस्पेंशन और फ्रैक्शन की। इसके बाद मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तो इसी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाने के प्रोसेस को जो है वैक्सीनेशन कह रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको पर्पसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन बताए थे, तो इसके फोर पर्पस मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले जो है हम लॉन्ग टर्म का पर्पस देख रहे हैं कि जैसे हमें इन फ्यूचर जो है किसी डिजीज़ से सफ़र ना करना पड़े, और जिस डिज़ीज़ से हम प्रिवेंशन चाहते हैं उसके अगेंस्ट जो है हम वैक्सीन करवाते हैं। सेकेंड पर्पस ये था कि हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि स्नैक बाइट्स है, किसी को स्नैक बाइट हुआ है तो फ़ौरन ये इमीडिएटली हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसमें हम प्री फॉर्म जो है पैसिव इम्यूनिटी जो है वो देते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंसर्ट करवाते हैं। थर्ड पर्पज़ ये था कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और मिजल्स वगैरह। और फोर्थ जो एक मेन इसका हमारा लॉन्ग टर्म का पर्पज़ है वो यही है कि जो है डिजीज़ की कंप्लीट रेडिकेशन हो जाए, जैसे कि एक डिजीज़ की ऑलरेडी हो चुकी है स्मॉल पॉक्स, इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसी डिजीज़ जो है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। ठीक है क्लास, और एक ये मैंने आपको बताया कि इमीजिएट प्रोटेक्शन होता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। तो इन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में ये जो है हेपेटाइटिस बी की, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, बट इमीडिएट प्रोटेक्शन जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो हमने लॉन्ग टर्म एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें हमने बेसिकली क्या है एंटीजन इंसर्ट करवाते हैं, एंटीजन होता है उस वैक्सीन के अंदर, बट पैसिव इम्यूनिटी जो पैसिव वैक्सीन होती है उसमें बेसिकली जो है एंटीबॉडीज होती हैं। ये भी इनमें डिफरेंस होता है कि एक्टिव में जो है हम एंटीजन इंसर्ट करवाते हैं, बट पैसिव इम्यूनिटी जब होती है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है इंस्टेड ऑफ एंटीजन। क्लास आप लोगों को आवाज़ मेरी कम सुनाई दे रही है? क्लास अभी आवाज़ मेरी क्लियर है? आंसर आप बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? आंसर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? आंसर आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही, एक और ने कहा है किसी ने सुनाई दे रही, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि उन्हें सही आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप एक बार अपनी हैंड फ्री या उसको सही से चेक करें। ओके क्लास, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि वैक्सीन की जो है केयर किस तरह की जाती है, उसका स्टोरेज कैसे है, उसके टिल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके यूज़ तक, तो मैं वैक्सीन को किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। उसके लिए स्पेशल कुछ मैंने पर्पल पॉइंट्स बताए थे कि वैक्सीन के लिए सबसे उसकी जो है कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, और इसके लिए स्पेशल जो है रेफ्रिजरेटर्स जो है पर्पस बिल्ड
रेफ्रिजरेटर्स यूज़ किए गए हैं और स्टाफ की ट्रेनिंग रिकमेंड की गई है। उसके बाद मैंने यहाँ से आपको बताना था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टाइप्स है। बेसिकली हम वैक्सीन करवाते हैं तो उसके अंदर कभी आप लोगों ने नोट किया कि उसके अंदर होता क्या है, वो मैंने आपको बताया कि उसी डिजीज़ जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन करवा रहे होते हैं उसी उसी डिजीज़ कॉजिंग जो है एजेंट होता है वही पैथोजन होता है। बट वो पैथोजन इस तरह होता है कि उसकी जो विरुलेंसी है सिवेरिटी डिजीज़ कॉज करने की सिवेरिटी जो है वो इतनी कम कर दी गई होती है कि वो हमारी बॉडी में आकर डिजीज़ तो कॉज नहीं करता बट वो क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके तो एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करवाता है। तो इस तरह ये होता है कि जब कभी लाइफ में अगर वही जो है पैथोजन हमारी बॉडी पर आकर अटैक करता है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी डिवेल्प हुई होती है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं। तो जब वो वही एंटीजन वही बैक्टीरिया या एंटीजन आकर अटैक करेगा तो जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो वो इन दोनों का आपस में इंट्रेक्शन होता है और एंटीजन के ऊपर जो है एंटीबॉडीज ओवरकम कर लेती हैं और हमें डिजीज से या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। ओके क्लास, तो वैक्सीन की ये मैंने 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वूल बैक्टीरियल सेल्स हैं। वूल बैक्टीरियल सेल से क्या पता चल रहा है कि पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल जो है उस वैक्सीन के अंदर है। तो मतलब पूरा बैक्टीरिया होगा, जैसे ये BCG वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसके अंदर पूरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पूरा का पूरा बैक्टीरिया होगा वैक्सीन के अंदर। पर वो पूरा है तो आपको यही माइंड में आएगा ना तो वो डिजीज़ नहीं कर रहा। तो मैंने उसका आंसर आपको पहले बता दिया है कि उसके जो है डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को है वो कम कर दिया गया होता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक जो है उसकी एटेन्यूएटेड मतलब कि लाइव फॉर्म है, इसमें बैक्टीरिया जो है वो लाइव फॉर्म में होता है, और एक इनएक्टिवेटेड के मतलब वो किल्ड फॉर्म में होता है। तो BCG जो है उसमें एक्टिव फॉर्म में है मतलब लाइव बैक्टीरिया है, बट कॉलरा पर्ट्यूसिस और प्लेग में ये जो है इनमें किल्ड फॉर्म में ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वैक्सीन में। ओके क्लास, उसके बाद है वूल वायरल पार्टिकल्स। इसमें पूरे का पूरा वायरस होगा, इसमें वैक्सीन्स में दोनों में एक्टिव में भी और किल्ड में भी। तो लाइव वाले में जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं वो MMR है जो हमने पढ़ा है कि मिजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन डोज लगवाते हैं एक ही टाइम में, वो सारी की सारी जो है एग्जाम्पल किसकी लाइव एटेन्यूएटेड की ही एग्जाम्पल है। और इनएक्टिवेटेड में कौन सा है, रेबीज है। रेबीज में जो वायरस है वो किल्ड फॉर्म में होगा उसकी वैक्सीन में। इस तरह इसकी 2 एग्जाम्पल पोलियो की 2 टाइप्स हैं वैक्सीन की, एक साबिन और एक सॉक। सॉक पोलियो जो है साबिन की फॉर्म में है तो उसमें जो है जो उसकी वैक्सीन है या जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव होगा, और साथ में जो पोलियो का वो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। क्लास क्लियर है। थर्ड जो वैक्सीन की टाइप होती है उसमें ये होता है कि बैक्टीरिया नहीं होगा ना ही वायरस होगा, पूरे का पूरा नहीं होगा ना उसका पार्ट होगा। उसके जस्ट जस्ट टॉक्साइड में कि जस्ट उस टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम बॉडी के अंदर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जब डिप्थेरिया और टैटनस की एग्जाम्पल इसमें है, डिप्थेरिया की वैक्सीन के अंदर टॉक्साइड होंगे और टैटनस की वैक्सीन के अंदर भी उसका जो है टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दोनों ही जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके जो टॉक्साइड हैं जाहिर है टॉक्साइड है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, एक्टिव नहीं है, कि बैक्टीरिया या वायरस लाइव नहीं है, उसका इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड फॉर्म में उसका टॉक्साइड एंटर किया गया, इंट्रोड्यूस करवाते हैं वैक्सीन में। उसकी 4 जो मेन टाइप है वो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड है। तो ये वैक्सीन जो है उनके अगेंस्ट होती है जिनके जिन बैक्टीरिया के गेट आउटर स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल होता है। कैप्सुलर बैक्टीरिया की जो वैक्सीन है वो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड से ही बनाई जाती है, उसके कैप्सूल से बनाई गई होती है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है मिनिंजाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन जो है वो सारे कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड से बनी होती है वैक्सीन। ओके क्लास क्लियर है। ये वैक्सीन की 4 टाइप्स और इनकी एग्जाम्पल्स आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद लास्ट मैंने पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया, तो उसकी 2 टाइप्स के बारे में बताया, साक और साबिन। तो जो सबसे पहले मैंने बताई थी
वो थी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन है, और एक इसकी टाइप जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसे आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। अच्छा, अभी आजकल जो हमने देखा होगा, जब हमारे बच्चों को आकर पोलियो टीम पोलियो के कतरे पिलाती है, तो वो कतरे पिला रही होती है, मतलब कि ओरली गिवन होती है वो वैक्सीन। और इसके अलावा इसकी जो दूसरी टाइप है वो जो है आईएम और सबक्यूटेनस दी जाती है। ओपीवी के थोड़े से एडवांटेज ये हैं कि इजीली एडमिनिस्टर कर लेते हैं, कि बेबी का बच्चे का मुंह खोला और जस्ट उसमें डाल दी, और जब इसे सबक्यूटेनस या इंट्रा मस्कुलर लगाना हो तो उसके लिए हमें एक टाइम कंज्यूमिंग, इसके अलावा ये पेनफुल प्रोसीजर होता है। और ओपीवी के एक एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है और इफेक्टिवनेस भी इसकी ज़्यादा है, इफेक्टिव भी यही ज़्यादा है। और इसके बारे में ये बताया गया कि मैंने आपको इसके स्केड्यूल में, शेड्यूल में बताया था, वैक्सीन शेड्यूल में, कि किस किस टाइम पर कौन सी वैक्सीन करवाते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि पोलियो की जो है वैक्सीन तीन टाइम है, तीन डिफरेंट ड्यूरेशन पे, मंथ्स पे करवाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब इसकी थ्री वैक्सीन के डोजेस लगवा ले, टू लगवाएं तो इतनी इफेक्टिव नहीं होते, 90% हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बट थ्री डोजेज ऑफ वैक्सीन गिव एक्सीलेंट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम अपने ये सोच के कि बेबी की पहले से टू डोजेज लग चुकी हैं पोलियो के, तो तीसरी लगवाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होता है, रॉन्ग वे है। पोलियो के अगर थ्री डोजेज रिकमेंड की गई हैं, तो तीनों की तीनों लगवानी ज़रूरी होती है, ताकि लाइफ लॉन्ग 100% इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में डिवेल्प हो जाए। ओके क्लास, क्लियर है? तो इस तरह ये जो मैंने आपको ये वैक्सीन के बारे में बताया, ये साक और साबिन, ये जो डिफरेंट है ना, ये इनके एक इनमें जो है ओरल है और एक आईएम और सबक्यूटेनियस है, ये इनके डिफरेंस है। और सेकंड इनका डिफरेंस ये है कि एक जो है साबिन में जो है पोलियो का जो है वो लाइव फॉर्म है, और ये जो है इनएक्टिवेटेड, मतलब किल्ड है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म। ओके क्लास, उसके बाद जो है मैंने एडवर्स रिएक्शंस विद इम्यूनाइजेशन, कि जब भी हम वैक्सीन करवाते हैं तो उसके कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन करवाते हैं बच्चों को, जिस बच्चे को वैक्सीन करवाते हैं उसके ऊपर जो है साइड इफेक्ट ज़रूर, उसके जो है एडवर्स रिएक्शन ज़रूर होते हैं। उनमें सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पर वैक्सीन लगवाते हैं तो उस जगह पे क्या होती है, पेन, एक तो स्वेलिंग होगी, पेन होगी और रेडनेस होगी, ये उसके लोकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, लोकल रिएक्शन। इसके अलावा और क्या उनका होता है, ये पेन, स्वेलिंग सब कुछ अपनी जगह होता है, बेबी को फीवर हो जाता है, तो ये फेब्राइल रिएक्शन और लोकल रिएक्शन मस्ट होते हैं हर वैक्सीन के बाद। और ये होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ जो है बच्चों में बहुत स्वेटी के साथ आते हैं, कुछ के अंदर जो है वो कम स्वेटी से आते हैं। इसके अलावा ये जो बहुत कॉमन नहीं है बट होते हैं, ये भी है पर्ट्यूसिस इंसेफ्लाइटिस। व्हाट इज इंसेफ्लाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और पर्ट्यूसिस क्या होती है, ये भी वैक्सीन हम करवाते हैं, ये एक्चुअली वुपिंग कफ की वैक्सीन होती है, वुपिंग कफ और इंसेफ्लाइटिस, ये भी जो है नॉन इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन है। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल नॉन इम्यूनोलॉजिकल में डिफरेंस ये है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल वो होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बट लोकली जो भी है रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल जो होता है कि इसमें जब वैक्सीन करवाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होंगे। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एक टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होते हैं, ये एलर्जी की एक फॉर्म है कि बच्चों को एलर्जी हो जाती है। सेकेंड जो इसका है जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा रिएक्शन, वो है इन्फेक्शन ऑफ फीटल टिश्यूज, मतलब प्रेगनेंसी में जब हम वैक्सीन करवाते हैं तो उसमें जो उसका एक साइड इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन वो आता है कि फीटल टिश्यूज के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है रिएक्शन शो करेगा वो है इंसेफलोमेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व हुए हैं तो वो हमारे इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन भी आएंगे। ओके क्लास, क्लियर है? एडवर्स रिएक्शंस, तो ये वैक्सीन जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया वैक्सीन करवाते हैं, उसकी टाइप्स बताई हैं, उसके चार फॉर्म्स बताई हैं, चार फॉर्म्स में वैक्सीन होती है, कि वैक्सीन के अंदर बेसिकली होता वही एंटीजन है
उसी डिजीज का डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीजल की वैक्सीन है तो इसके अंदर मीजल कॉजिंग वायरस ही है, ठीक है, वायरस का पार्टिकल ही होता है। इस तरह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ही है BCG वैक्सीन, ठीक है। तो उसके अंदर वैक्सीन के अंदर समझे वही एजेंट होता है जिसके अगेंस्ट हमने जिस डिजीज के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी चाह रहे होते हैं। तो वैक्सीन बस उसी एंटीजन के साथ बनी होती है, इसी ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है। ओके क्लास क्लियर है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, तो इसको डिफाइन हाइपर से पता चल रहा है। हाइपर मीन क्या होता है, ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब कि रूटीन से नॉर्मल से ज़्यादा होना। तो इसकी डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं एक्सेजरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होता है जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारी बॉडी पर आकर अटैक करता है, तो तब जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होता है जब वही एंटीजन दोबारा आकर हमें कुछ टाइम बाद, कुछ माह बाद, कुछ साल बाद जाकर आकर जब दोबारा अटैक करता है तो तब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। और प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी जो होता है वो ज़्यादा सिवियरिटी वाला रिस्पॉन्स होता है। तो इसके अलावा एक और इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बेसिकली कॉज करता है, और वो जो जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेगा तो उसे एग्जैचुरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी फोर टाइप्स हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि उस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स का नाम, तो मतलब ये उसकी कौन सी टाइप है, टाइप 1, 2, 3, 4 है, उसके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, टाइप 1 में कौन सी एंटीबॉडी है या टाइप 2 में कौन सी है। इसके अलावा रिएक्शन कैसे हैं, मतलब वो प्रोसेस क्या है, टाइप 1 में हाइपर सेंसिटिव होने का पूरा प्रोसेस क्या है, और उसकी एग्जाम्पल्स कौन सी है। टाइप 1 जो मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल दी है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जो कि एक हमारा इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स है या एक रिएक्शन शो होता है जब हम वैक्सीन करवाते हैं, उसका एक रिएक्शन है। तो वो उसकी हाइपर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ रही हैं, जैसे फूड एलर्जी है, एलर्जी का अस्थमा है, ऐसे है। या आप लोग इन चारों बातों का मतलब, ये कोई आपसे सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, या जस्ट ये भी पूछ सकता है डिफाइन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 के अलावा वो जस्ट ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन इमीडिएट या फिर डिफाइन एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसलिए ये आपको तीनों के तीनों नेम्स जो हैं वो आने चाहिए कि टाइप 1 को और कौन से नेम से कॉल करते हैं। ओके क्लास क्लियर है। क्लास आप लोगों को समझ आ रही है, मैं इसके लिए टाइप्स बताने लगी हूँ। क्लास आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप सब लोग प्रेजेंट हो ना, मुझे सुन रहे हैं? ओके टाइप 1 का जो सेकंड नेम है वो इनिशिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, थर्ड नेम जो है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है। तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgE एंटीबॉडी है, ठीक है। इसमें रिएक्शंस किस तरह होते हैं, मतलब किस तरह से ये रिएक्शन शो होता है, सबसे पहले क्या होता है, IgE एंटीबॉडी जो है वो मास्क सेल्स या बेसोफिल सेल्स के साथ आकर कंबाइन होते हैं, इनकी आपस में बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग के बाद क्या है, जब सेकेंड टाइम एक्सपायर होगा तो ये इनकी जो बाइंडिंग है वो आपस में क्रॉस रिएक्शन होगा, मतलब IgE जो है वो मास सेल के साथ क्रॉस रिएक्ट करेगी। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मास सेल के अंदर जो है हिस्टामिन प्रेजेंट होती है वो रिलीज हो जाती है, उसकी डीग्रेनुलेशन होगी और क्या होगा, रिलीज हिस्टामिन रिलीज होगी, और ये हिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगी हमारी बॉडी पे, ठीक है। क्लास सिंपल सा है कि एंटीबॉडी ने सबसे पहले मास सेल के साथ बाइंडिंग होगी, तो जब सेकेंड एक्सपायर पर इनका आपस में क्रॉस रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की कंडीशन में क्या होगा, डीग्रेनुलेशन में उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो रिलीज होंगे, और क्या क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज हुई, इस हिस्टामिन ने एक्चुअली जो है एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने हैं। तो इसके एग्जाम्पल में ये होता है कि फूड एलर्जी, बहुत से लोगों को डिफरेंट चीज़ों से फूड एलर्जी, डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है,
जैसे कि अब मेरे लिए जो है चिकन नॉर्मल है, बट कुछ लोग ऐसे हैं वो बीफ या मटन खाएंगे तो उनके लिए एलर्जी कॉज करेंगे, बट वो मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे कोई कॉजिंग एजेंट नहीं होगा। इसी तरह कुछ और पोलन एलर्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा और एलर्जिक एस्थमा है, एस्थमा वही होता है कि जो मतलब सीजनल सीजनल होता है, कुछ लोगों को ये आपने देखा होगा कि विंटर सीजन स्टार्ट होगा। इसके अलावा पोलन एलर्जी होती है तो उससे भी लोगों को कफ वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंट एलर्जन होते हैं। इसके अलावा और इसके टाइप वन में कौन सी आ रही है, कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक रिनाइटिस, ये टाइप वन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। ओके क्लास, उसके बाद है टाइप टू, जिसका सेकेंड नेम है साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसके अंदर एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व है बेसिकली IgG और IgM दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। IgG इन्वॉल्व है, इसके अंदर रिएक्शन ये है, सबसे पहले क्या है, एंटीजन ऑन सेल सरफेस रिएक्ट विद एंटीबॉडीज। एंटीजन आया हमारी बॉडी में, उसने किससे रिएक्ट करना है, एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज, IgG के साथ। IgG के साथ रिएक्ट करेगा, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो क्लास आपने देखा होगा, मैंने आपको दो आप लोगों को बताए थे कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, इम्यूनिटी किस तरह की होती है। एक एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और दूसरा जो है वो सेल मीडिएटेड होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है वो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो करवाते हैं। तो इसमें बेसिकली किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की, कम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुए, इसके अलावा जो है सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी से क्या होगा, उस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। किस सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, जिसके ऊपर जो एंटीजन आकर अटैच हुआ हुआ था, ठीक है। इसके एग्जांपल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में क्या होता है, और इसके अलावा ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, अनीमिया से आपको पता चल रहा होगा बेसिकली क्या होता है, RBCs की डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो डेफिशिएंसी किस तरह हो रही होती है, उसमें सेल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब RBCs की डिस्ट्रक्शन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या होगा कि हमारी जो है एज भी कम हो जाएगी और क्या होगा, अनीमिया होगा। और ये ऑटोइम्यून मीन कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये टाइप टू में है। उसके बाद टाइप थ्री है, और इसे क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। टाइप थ्री का सेकेंड नेम क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इसमें भी सेम वही एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं, IgG और IgM। इसका रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोसीजर ऑलमोस्ट इसका रिएक्शन काजिंग जो प्रोसेस है वो सेम ही है, टाइप टू जैसा ही है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेज इन सर्कुलेशन। हमने देखा होगा एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड के अंदर होती हैं। तो ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन जो है एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होगा, इन दोनों के आपस में बाइंडिंग होगी। कहाँ पर होती है, ब्लड में। बस इसका डिफरेंस ये है टाइप टू से कि ये ब्लड से कहाँ पर मूव हो जाते हैं, बाद में टिश्यूज के अंदर इनकी मूवमेंट हो जाती है। कि ये दोनों की जो आपस में बाइंडिंग हुई हुई है वो ब्लड से कहाँ पर मूव हो जाते हैं, टिश्यूज के अंदर हो जाते हैं मूव। तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उन्हीं को नाम दे रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज को, जो उनकी आपस में बाइंडिंग हुई हुई है। तो ये डिपॉजिट कहाँ होंगे, टिश्यूज के अंदर, तो वो ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यूज में मूव कर जाते हैं। अभी हम जो भी अपना एक्शन शो करना है वो टिश्यूज के अंदर करना है, ब्लड के अंदर नहीं करना। इसने टाइप टू ने ब्लड के अंदर अपना एक्शन शो किया था, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई थी। बट इन्होंने टिश्यूज के अंदर करना है, तो जो भी हार्म होगा या जो भी इसका रिजल्ट होगा वो टिश्यूज पर आएगा, ब्लड के ऊपर कुछ नहीं आएगा। जब ये टिश्यूज में चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर क्या करते हैं, इनकी दोनों की वजह से, एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, और इसके अलावा क्या रिलीज होते हैं, लाइजोसोमल इंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये इंजाइम्स और कम्प्लीमेंट ये मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाता है। जाहिर है इंजाइम्स हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, लाइसिस होती है। तो टिश्यू जो है जहाँ पर वो प्रेजेंट है उन टिश्यूज को ये डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह से उन टिश्यूज को भी डैमेज करके साथ में एंटीजन को भी डैमेज करके, तो क्या करते हैं,
हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली तो ये करना चाहिए था, जस्ट एंटीजन को ख़त्म करना चाहिए था, बट ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये क्या है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पॉन्स है ना हमारी इम्यूनिटी का। तो ज़्यादा किस तरह हुआ कि एंटीजन के साथ साथ इन्होंने टिश्यूज़ को भी ख़त्म कर दिया, इसलिए ये एक तरह से इनअप्रोप्रिएट है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स है। क्लियर है क्लास? तो इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो सिस्टेमिक ल्यूपस रिथमाटोसिस है, SLE है। SLE की पेशेंट्स में बेसिकली यही हो रहा था, टिश्यूज डैमेज हो रहे होते हैं। ओके क्लास, किडनीज पर इसमें जो है बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है ये भी, और इसमें क्या आता है कि यही इनकी वजह से टिश्यू डैमेज होते हैं, हमारे किडनीज पे जाके अफेक्ट करते हैं, वहाँ पर नेफ्राइटिस वगैरह कॉज करते हैं, ऐसे रिजल्ट क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें भी जब स्ट्रेप्टोकोकल जो है बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आकर कोई इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसके बाद जो होता है हमारा उसको ख़त्म करने के साथ साथ जो है टाइप 3 मतलब हाइपरसेंसिटिव डिटेक्शन में ये होता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कि उसकी वहाँ पर जाके इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बैक्टीरिया को किल करने के अगर साथ साथ ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ओके क्लास, टाइप 4 जो है उसे डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कह रहे हैं, और सेकेंड इसका नाम है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सेल मीडिएटेड से इसका क्या पता, नाम आपको पता चल रहा है, इसका पता चल रहा है ना सेल मीडिएटेड है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो सेल्स ही जस्ट जो है इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, या सेल ही इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैंने आपको 2 बताया जो हमारे इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। बी सेल जो बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो तो इसमें नहीं होंगे, तो पीछे बच जाते हैं टी सेल। तो बेसिकली टाइप 4 में टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। ओके क्लास, आप लोगों को समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? कुछ पूछना चाह रहे हैं इन 3 टाइप्स में जो मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत है। क्लास किसी का रिस्पॉन्स नहीं मुझे आया, आप लोग मुझे सुन रहे हो? चलें क्लास, इसका प्रोसेस क्या होगा, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? इसमें अब एंटीबॉडीज तो कुछ नहीं आएंगे ना, एंटीजन एंटीबॉडीज का आपस में रिएक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेशन अपॉन सेकेंड एक्सपायर। तो मैंने आपको ये पहले बताया कि जब फर्स्ट टाइम एक्सपायर होता है तो हमारी बॉडी में जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं डिवेल्प होती, जो भी हाइपर रिस्पॉन्स आएगा वो सेकेंड एक्सपायर पर आता है। तो सेकेंड एक्सपायर पर मतलब जब वही सेम एजेंट कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में आएगा, तो उसने क्या करना है, टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करनी है। टी लिम्फोसाइट्स वही बेसिकली जो है WBC की एक हमारी इम्यूनिटी टी सेल्स हैं, उनकी एक्टिवेशन पर क्या होगा, लिम्फोकाइंस रिलीज होंगे। लिम्फोकाइंस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, लिम्फोकाइंस हैं या फिर इन्हें अम्यूनो लिम्फोकाइंस कहेंगे। तो ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, सेल्स को इन्फ्लेम कर देते हैं, इनके रिजल्ट में क्या होता है, सेल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। तो बेसिकली इसके एंड पर आपने देखा होगा कि हर टाइप में कुछ एंड रिजल्ट जो है सब एंड जो है वो रिएक्शन क्या है, डिफरेंट आया है। जैसे सेकेंड में, फर्स्ट में क्या आया था, फर्स्ट में सिर्फ एलर्जी हुई थी हमारी बॉडी के, एंड रिजल्ट क्या हुआ था, एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। सेकेंड में क्या हुआ था, सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई थी। सेल्स के डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ था कि उन सेल्स की जो है हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई थी। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया है, ब्लड सेल्स RB सेल्स के डिस्ट्रक्शन हुई है तो अनिमिया हो गया है। सेम ऐसे थर्ड टाइप में जो है वो टिश्यू की डैमेज हुए हैं, टिश्यू डैमेज हुए हैं तो उसके रिजल्ट में और तरह के डिजीजेज और हमारे इफेक्ट्स आए हैं। और फोर्थ में बेसिकली जो है वो सेल्स की इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्यूबरक्लीन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1 डायबिटीज है, और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, ये टाइप 1 की ही एग्जाम्पल है। ये आपने देखा होगा ट्यूबरक्लीन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस तरह होते हैं, ये बेसिकली जो है जब हमने वैक्सीन करवानी हो या चेक करना हो तो उससे पहले हम ये एक टेस्ट करते होते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि पहले सबसे पहले एक तो टेस्ट डोज दी जाती है ट्यूबरक्लिन, ठीक है। इसमें जब टेस्ट डोज की दी जाती है तो उसके जो है वो सर्कल एरिया जो है सर्कल कर लिया जाता है। उस सर्कल एरिया से कुछ देर पर जिनके पास पहले से ये एक्सपायर हुआ होता है एंटीजेंस होती हैं, या पहले से एक बार हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन आया होता है, तो उसमें क्या होता है वो एरिया जो है कुछ देर बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो बेसिकली इनमें तीनों में क्या होगा, एक तरह से एंड प्रोडक्ट जो है एंड रिजल्ट जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में आएगा। तो जो हम ये ट्यूबरक्लीन मतलब वैक्सीन करवाने से पहले जो टेस्ट करवाते हैं वो बेसिकली यही होता है ट्यूबरक्लीन टेस्ट। उसमें टाइप 4 मतलब डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है जो वो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में हमें दिखाई देता है। ओके क्लास क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली फिर आज मैंने आप लोगों को वैक्सीन की ये 4 टाइप्स हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वूल में जो लाइव है या फिर किल्ड है, कौन सी लाइव की एग्जांपल है कौन सी किल्ड की है। MMR आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हमने उसकी जब वैक्सीन किस टाइम पर करवाई थी, ये तीनों की तीनों MMR जो है वो लाइव एक फॉर्म है, वैक्सीन की लाइव फॉर्म है। पोलियो की लाइव और किल्ड दोनों फॉर्म में पोलियो की वैक्सीन है। हाँ हेलो ओके क्लास क्लियर है? तो मैं अब ये कि टाइम पीछे कम है, मैं आप लोगों के लिए पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ।
हेलो क्लास। ओके क्लास, मेरी अटेंडेंस भी मैंने अब ले ली है और हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे अभी पूछ लें, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आप पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। फातिमा, मुझे अपना कंप्लीट नेम बताओ। जस्ट आपने फातिमा लिखा हुआ है तो इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा आपका कंप्लीट नेम क्या है। फातिमा, अपना मुझे कंप्लीट नेम बता दो प्लीज़। जस्ट आपकी वजह से मेरा अब ये डिले हो रहा है। ओके फातिमा, आपने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया। चलें ठीक है क्लास। ओके क्लास, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।